और अब बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची से। रांची में करोड़ों के कैश की गिनती लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम काउंटिंग में जुटी हुई है। काउंटिंग मशीन के साथ बैंक के अधिकारी जो है वहां मौके पर पहुंचे और अब तक 30 करोड़ रुपए की गिनती पूरी की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के बीच में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के करीबी के घर पर छापा मारा है। ये बता दें हम आपको, आलमगीर आलम जो है उनके निजी सचिव है, उनके करीबी है ये जिनके घर पर छापेमारी की गई और उसमें भारी तादाद में घर से कैश बरामद हुआ। अभी तो नोटों की गिनती जारी है, 30 करोड़ तो काउंट हो चुके हैं। बैंक अधिकारी पहुंचे हैं वहां पर मशीनें लेकर और गिनती लगातार हो रही है और इतने ज्यादा यहां पर नोटों के बंडल मिले हैं कि कैश काउंटिंग के लिए मशीनें लानी ही पड़ी। मैनुअली इनको गिना जा ही नहीं सकता था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रांची में ईडी का ये एक्शन जो है वो देखने को मिला है।